दोस्तों एक पुजारी जी वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो सब लोग को वो पांच सिबलिंग हैं जो वो छूने दिया जा रहा है। दोस्तों देख सकते हैं अब हम पूरा एकदम चोटी के पहाड़ के टॉप पर पहुंच चुके हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप कि दोस्तों आप सब अच्छे होंगे एंड मस्त होंगे। मैं जाऊंगा एक पहाड़ पर जो कि देवगिरी पहाड़ है, नीलगिरी पे ही है। आज जाएंगे हम पंचलिंगेश्वर मंदिर जो कि नीलगिरी में बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। एक पहाड़ पर है देवगिरी पहाड़ नाम, तो वहीं पर जाएंगे। इसलिए हम थोड़ा मेकअप पाउडर लगा के मेकअप कर लिए हैं। तो आप सोच रहे हैं क्यों पाउडर लगाया है आज, तो चलिए चलते हैं, ड्रेस चेंज करेंगे और जाएंगे। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहाँ पर जाएंगे और पूजा वूजा करेंगे और आप सबको पूरा व्यू दिखाएंगे। तो वीडियो पर एंड तक बने रहे। तो चलिए चलते हैं, कैसा लग रहा है, मेकअप अच्छा है। अभी हम रास्ते पे हैं, तो चलिए ऊपर तक चलते हैं और आपको पूरा व्यू दिखाएंगे पंचलिंगेश्वर का। तो ब्लॉग का व्यू और पहाड़ का व्यू दिखाते हैं, तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो ब्लॉग पर एंड तक बने रहे, तो चलिए चलते हैं गाइस। तो दोस्तों फाइनल अब हम यहाँ से गुजर रहे थे, तो देख सकते हैं यहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट जली हुई है। कौन है वो गाइस, दिन में भी दिखाई नहीं देता उनको रास्ते पे, इतना धूप तो है। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज हवा चल रही गाइज, ऐसे बिजली वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमारा प्लैनेट के लिए ठीक नहीं है। ऐसे कोई भी बिजली जलाकर छोड़ दे तो ऐसा ठीक नहीं है गाइज। ऐसा आप लोग देख रहे हैं तो ये चेक करके इसको बंद करना चाहिए। तो अभी चलते हैं, ये है पहाड़ का व्यू देख सकते हैं। अब हम पूरा यहाँ सब दुकान सब बैठे हुए है। सो गाइज फाइनल अब हम पहुंच चुके हैं, तो चलिए ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा मार्केट एकदम। आज संडे है ना, इसलिए पूरा खाली खाली लग रहा है। ये मेरा ब्रो, हेलो भाई। तो चलिए ऊपर चलते हैं और आपको मिलाते हैं। अब हमारा हालत टाइट होती जा रही है, पूरा ऊपर तक जाना है। तो फाइनल आप पहुंच चुके हैं मंदिर के पास, ये है उसका मेन दरवाजा। तो चलिए चलते हैं ऊपर और आप लोग। तो गाइस सीढ़ियों से आप जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं ऊपर। सो गाइस फाइनल अब हम सीढ़ियों से थोड़ी मतलब कि 20% ऊपर आ चुके हैं, और 80% बाकी है गाइस, और 80% बाकी है। तो चलिए चलते हैं, पूरा 310 सीढ़ियां हैं। तो चलिए चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं हमारा जर्नी पंचलिंगेश्वर। तो चलिए पहुंच चुके हैं, लेकिन अब पानी नहीं है, पूरा सूख चुका है, धूप का सीजन है ना,
इसलिए। तो चलिए ऊपर चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं, मैं पीछे का व्यू थोड़ा दिखा देता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पर बारिश के मौसम में बहुत ही पानी निकलता है झरने से, लेकिन अब समर सीजन चल रहा है ना, इसलिए धूप की वजह से पूरा सूख गया, सिर्फ चट्टान ही दिख रहा है पत्थर का। तो चलिए ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं पूरा व्यू आप लोग को। तो चलिए चलते हैं। अब हम चलते हैं पूजा करने। अब हम पूजा कर लिए और पूरा मंदिर का ओवरव्यू थोड़ा दिखा देंगे आप लोग को। आप भी हमारे ब्लॉग के माध्यम से पूरा मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। तो ब्लॉग पर एंड तक बने रहे और हम उसका ओवरव्यू आप दिखा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर पूजा कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर, और वहाँ पर के रसोई के लिए है। अगर किसी का मन्नत है, कोई मन्नत है, तो वहाँ पर जब मन्नत पूरी हो जाएगा वहाँ पर प्रसाद बना के पूरा मंदिर, जो भी भक्त सब आए हुए होंगे वो उस लोग को बांट दिया जाएगा। इसलिए किसी का शायद मन्नत है वो तोड़। सकते हैं भाई, ये है एक दुकान, यहाँ पर आप लोग सब फल मिठाई वगैरह खरीद सकते हैं और यहाँ पर आप लोग बैठ सकते हैं, सिर्फ इतना ही जगह है। दोस्तों, एक पुजारी जी वहां पर बैठे हुए हैं और वो सब लोग को, वो पांच सिबलिंग हैं जो वो छूने दिया जा रहा है। तो देख सकते हैं पानी बाल्टी लेके वहां पर डाल दिया गया है। वो पुजारी जी हैं जो कि सब लोगों को सिबलिंग एक एक बार छूने देते हैं। देख सकते हैं एक बच्चा गया है छूने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर शिवलिंग छूने के लिए पूरा लाइन लगा हुआ है। यहाँ पर बारिश के मौसम में बहुत ही ज़्यादा झरने का पानी बहता है, लेकिन अब सूख चुका है, लेकिन बहुत ही कचरा भी बहुत ही ज़्यादा किया गया है गाइस, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक मंदिर है, बहुत ही मतलब कि आध्यात्मिक प्लेस है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा कूड़ा कचरा सब फेंक दिया गया है। नेचर को ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं कुछ रिलैक्सेशन के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर तो पूरा देख सकते हैं पूरा मतलब कि एकदम कूड़ा कचरा बहुत ही ज़्यादा किया गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही पवित्र टेंपल है हमारे यहाँ का, नीलगिरी का। जो भी ब्लॉग देख रहे हैं ऐसा मत कीजिए, कुछ भी कूड़ा कचरा यहाँ पर मत फेंकिए। डस्टबिन दिया गया है, वहाँ पर जाके फेंकिए, बहुत ही अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है और हम लोग को देखने के लिए भी अच्छा लगता है। नीट एंड क्लीन रहेगा तो बहुत ही दिल को भी बहुत ही अच्छा सुकून मिलेगा। तो बस मेरी यही आप सब से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर कूड़ा कचरा मत कीजिए। दोस्तों अभी हम जंगल पे आ चुके हैं, थोड़ा पंचलिंगेश्वर मंदिर से थोड़ा ऊपर आ चुके हैं जंगल में ट्रैकिंग करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर एक और जंगल के अंदर और एक मंदिर है, तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। और यहाँ पर मेरे को एक चीज़ दिखी, देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये है हाथी का पोटी यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर हाथी भी है। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा देख के जाएंगे, वरना बहुत ही ज़्यादा रास्ता एकदम डिफिकल्ट है। यहाँ पर जगह जगह पर हाथी का पोटी है, पोटी किया हुआ है।
मतलब कि हाथी हक दिया है गाइस, देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा झरना बह रहा है, वाटरफॉल देख सकते हैं, धीरे धीरे पानी चल रहा है। और हम लोग यहाँ पर आके बैठ चुके हैं, बहुत ही अच्छा हवा भी चल रहा है और हमको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, इसलिए हम यहाँ पर आके बैठ चुके हैं। अब थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, फिर जाके और एक वाटरफॉल दिखाएंगे और थोड़ा अच्छा अच्छा चीज़ दिखाने की आप लोग को कोशिश करेंगे। तो देखते हैं और क्या क्या जगह मिलता है और आप लोग को हम दिखाएंगे, तो ब्लॉग पर बने रहें। थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा है सिर्फ। दोस्तों यहाँ पर छुट्टियों के दिनों में पिकनिक करने के लिए बहुत ही अच्छा स्पॉट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छी जगह भी है, बहुत ही अच्छा हवा भी यहाँ पर चल रहा है और पूरा सुकून ही सुकून भाई। दोस्तों आप लोग को शहर पर कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ पहाड़ों में जो मजा है ना वो और कहीं नहीं मिलता। दोस्तों यहाँ पर तालाब है और तालाब के जस्ट बगल में ही एक जो माता का मंदिर है, माँ बोड़ा माँ का मंदिर है, वो देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर और जाकर दिखाते हैं। दोस्तों फाइनल अब हम मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं ये है माँ बोड़ा माँ का मंदिर और यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा एक कुआ टाइप का है। सो दोस्तों यहाँ पर एक चूहा टाइप का है, यहाँ से अपने आप ही पानी निकल रहा है देख सकते हैं। और यहाँ पर ये पहाड़ है जो पंचलिंगेश्वर का मेन देवगिरी पहाड़ है ये, तो आप चलिए चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं वो है पहाड़, इतना ज्यादा हम ऊंचाई पर आ चुके हैं, पूरा चारों तरफ जंगल ही जंगल है देख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा भी लग रहा है, बहुत ही अच्छा। और दिक्कत ये है दोस्तों, सिर्फ गर्मी लग रही है और पसीना पसीना हमारा पूरा छूट गया है देख सकते हैं, पूरा चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं पूरा हम घना जंगल में आ चुके हैं, तो अब हम चलेंगे ऊपर, चलते हैं, पूरा सांस फूल रहा है दोस्तों। तो जय श्री राम। तो चलिए चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं आप लोग को यहाँ पर ऊपर का रास्ता है, तो यहाँ से चलते हैं और कितनी ऊपर तक ये रास्ता जाता है देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं पूरा जगह हमारे ब्लॉग के माध्यम से। तो ब्लॉग पर बने रहे, तो चलिए चलिए चलते हैं ऊपर और आप लोग को दिखाते हैं। पहाड़ों में जो मजा है दोस्तों वो कहीं नहीं है, ट्रैकिंग करने में इतनी मजा आ रही है, गर्मी में पूरा बहुत ही अच्छा भी लग रहा है, सिर्फ दिक्कत ये है कि पानी की बहुत ही शॉर्टेज हो रही है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा पसीना निकल रहा है और कुछ नहीं, वरना और कुछ नहीं है, सिर्फ मजे ही मजे हैं दोस्तों। दोस्तों फाइनल आप देख सकते हैं हम पहाड़ की एकदम चोटी पर आ चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग पूरा पहाड़ की चोटी पर। दोस्तों देख सकते हैं अब हम पूरा एकदम चोटी के पहाड़ के टॉप पर पहुंच चुके हैं, पूरा नीचे पूरा सिर्फ घर और पूरा फुल देख सकते हैं, पूरा पहाड़ के टॉप पर एकदम पहुंच चुके हैं।
यार कुछ भी कहो, पहाड़ों में जाने की बात ही अलग होती है। तुम्हें प्यार कब तक। आज हम और नहीं घर जाएंगे तो आज यहीं पर सो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर घर नहीं जाएंगे तो आपको ब्लॉग टाइम पर नहीं मिलेगा। तो अब चलिए चलते हैं घर और नीचे का दुकान का व्यू थोड़ा दिखाते हैं और जाके पूरा सीधा घर पे मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं ब्लॉग। आई होप कि दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा आप लोग को। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भी करना। तो ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है इसलिए सॉरी। मिलते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।